दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिव्य कुमार अग्रवाल और मेरे साथ में है मिलन सर, हमारे एएमसी प्रोग्रामर। और ये है 15 दिसंबर का हमारा ईवेंट। ये आज आखिरी दिन है और हम हमेशा की तरह यहाँ पे हम इनका रिव्यू लेने वाले हैं और क्या प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल यहाँ पर चीज बताओ, आज जो करने वाले हैं जो हमारे पास एक सीपीयू यूनिट से जो शॉर्ट है, सीपीयू खराब है और हम सीपीयू है ये वाला लगाने वाले हैं और ये हमारे स्टूडेंट खुद करेंगे। ठीक है, यूएसबी लगा देना डायरेक्ट। चलो ये रहा यूएसबी। ठीक है, इसके लिए बहुत जोरदार ताली। देख सकते हैं दोस्तों कैसे इस तरह इन्होंने यहाँ पे हम जो है ना पूरा मोबाइल को चालू करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल तो हम आपको सिर्फ लोगो दिखा रहे हैं ईवीएमसी सीपीयू लगा के, उसके बाद पूरा चालू करते हैं। हम चालू करके आपको दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। इंडिया का मोबाइल इंस्टीट्यूट कौन है? इनका नाम बताएं। रणविजय कुमार, बिहार से सर। रणविजय, पहले मेरे को ये बताओ कि आप एशिया टेलीकॉम को हमने क्यों चुना? सर, हमने बहुत जगह ट्राई किया हुआ है, देखा भी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट मैंने गया भी है, बट सर ये इतना जितना यहाँ डीपली से बताते हैं वहाँ कहीं नहीं बताते हैं। आपने कैसा लगा? मिलन सर का मैंने रिव्यू देखा और यहाँ पर तो उस हिसाब से मैंने 2 महीना लगातार प्रयास किया था, फिर हमको यहाँ पर सीट मिला। और अब ये बताइए कि पहले दिन में और अब में आपने क्या सीखा है? सर, पहले दिन तो हम कुछ नहीं थे, 0 थे यहाँ पे। आज से ही अब जितना जल्दी एक्सपेरिमेंट के घर जाएं और अपना काम करें। तो क्या मिस कर रहे थे पहले, क्या काम कर पा रहे हैं? बेशक सर, कभी कभी ऐसा होता था हमने मदरबोर्ड को ये वो किया, हल्का हल्का दो दाव किया, हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो कस्टमर को रिटर्न कर देते थे। अच्छा, बट ये डिब्बी काम नहीं कर पाते थे। अब ये है कि अपने अंदर ये सारे बोर्ड का सामान निकाल के फिर से उसको लगा कर चालू कर सकते हैं। तो ये आपने कितने साल का एक्सपीरियंस हुआ? सर, 10 साल का एक्सपीरियंस है। आप मुझे थोड़ा सा एक बार बताओ कि 10 साल तक आप कहाँ थे और आपको अभी क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए? सर, पहले के डेट में सर एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हुआ करता था, नॉर्मली बटन वाला सब हुआ करता था, 70% काम हो जाया करता था, बट सीपीयू के बारे में उनको पता नहीं था कि सीपीयू टेक्नोलॉजी बढ़ गई। जी सर, ईवीएमसी आया, आपको पता है ना आज हर कस्टमर का सर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते थे, वाईफाई तो ऑनलाइन भी कम दामों में सिखाया जा रहा है। नहीं, वाईफाई ऑनलाइन सिखाया जाता है बट उसका बारे में डिग्री पता नहीं चलता है। या आपको यूट्यूब वगैरह के वीडियो बता देंगे कि ऐसे कर लेना है, लेकिन क्यों हुआ इसके बारे में डिग्री पता नहीं चलता। नहीं पता चलता। मिलन सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि पहले जो आप वाईफाई बॉक्स चलाते थे। जी सर। और आप वाईफाई बॉक्स चला, पहले से वाईफाई बॉक्स था आपके पास? जी सर, पहले से वाईफाई बॉक्स था। पहले से वाईफाई बॉक्स था, लेकिन सर ये पता था कि लॉक वगैरह कैसे तोड़ना है, लेकिन उसका भी तरीका पता नहीं था। कभी कभी ऐसा होता था लॉक तोड़ने के दौरान मेरा सेट बंद हो जाता, लेकिन उसको ठीक करने का प्रोसेस पता नहीं हुआ करता था। तो चलिए ठीक है, आप यहाँ पे काम करेंगे और दोस्तों मिल पे आते हैं, सबका रिव्यू लेना। थैंक यू वेरी मच आप यहाँ पे आए। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, काम करो। आपका नाम क्या है? खड़े हो जाओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप। संदीप, आप कहाँ से आए हो? यूपी का। नमस्ते सर। आपने जोधपुर, इतनी दूर आप दिल्ली जा सकते थे, मुंबई जा सकते थे, बहुत बड़े बड़े शहर है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, फिर हमको क्यों चुना आपने? नहीं, मैंने दिल्ली भी पता किया और ऑनलाइन भी पता किया, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना और डिटेल में जब पता किया तो आपके बारे में बढ़ाई के अलावा मैंने कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आपको हमारे जो रिव्यू मिले वो अच्छे मिले? हाँ, अच्छे मिले, क्योंकि झूठ बोलेगा एक बंदा बोलेगा, हर कोई झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ तो झूठ बोल सकता है लेकिन घर पहुँचने के बाद भी तो कुछ बोल सकता है। तो मैंने सारी सच्चाई पता की, आगे जब आपका रिव्यू देखा और यहाँ का दो दिन का आपने टाइम दिया था कि यहाँ पर देखिए काम आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए वरना आप चले जाइए। हाँ, तो 2 दिन देखा आपने, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से सर हमारे मिलन सर जी बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि जो मेरा मतलब खोया हुआ था वो यहीं पे मिल सकता है। अच्छा, तो आपका यहाँ आना सतर्क मतलब सही रहा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बढ़ा और मतलब जो भी मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है, आगे आइए। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, आप कहाँ से हैं? यूपी से सर। तो कुलदीप, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल से काम कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे थे कि क्या लगा आपको कि आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए और मुझे क्या सीखना है? सर, मुझे आईसी लेवल पर काम करना था जो मुझे आता नहीं था बिल्कुल।
वही चीज है। और जब आप दुकान पे काम करते थे तो आपने फोन कहाँ देते थे? फोन मतलब जो बड़े दुकानदार है उनको देते थे, मुझे बताता भी नहीं था। अभी क्या करने वाले? अभी मैं अपना काम स्वयं करने वाला और दूसरों से फोन लेने वाले, दूसरे से फोन भी लेने, मार्केट से जो भी काम है बाहर नहीं जा पाए मेरे पास आए, मेरे पास आए, क्योंकि अब पेस्टेड आईसी हो गई है, ब्लैक हो गया है, व्हाइट हो गया है, वो सब पे काम कर सकते हैं। पहले क्या, अभी कोई सा भी फोन आ गया, जैसे अभी जैसे कोई ऐसे फोन है रियलमी 3 या जैसे नोट 7 प्रो जिनका आईएसपी नहीं है, अभी वो तुम्हारे पास अनलॉकिंग के लिए आया तो उसका आईएसपी तो है नहीं है, तो कैसे करोगे? ISP पिन आउट नहीं है उसका, तो उसको कैसे अनलॉक करोगे? EMC निकाल के। तो ये इसमें दड़ोगे तो नहीं, इसमें मिलन सर का कैसा आउटपुट रहा था? बहुत अच्छा रहा सर, नंबर 1 है। अच्छा, इंडिया से। अच्छा, तो आप यहाँ पर एसी ड्रीम वो चुनना आपका सही रहा रिव्यू? जब आप यहाँ आए तो आपसे बहुत से लोगों ने अच्छी भी बात की होगी और बुरी भी की। नहीं, मैं किसी को बता के नहीं, किसी को बता के नहीं आया। तो आप यूट्यूब देखा, उससे आए, मुझे जो पता था कि यहाँ मुझे मिलेगा वो मिल जाएगा 100%। ये पहले से कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस था, इसलिए आपने एडवांस भी दिया। दिल्ली में भी कई जगह काम किया लेकिन वहाँ मुझे वो चीज नहीं मिली। तो आपने यहाँ की जो रिव्यू आप दे रहे हो वही रिव्यू देख कर आए आप, और प्रैक्टिकल जॉब देख कर आए, तो वही रिव्यू आज आप दे रहे हो ये फेक है क्या? नहीं, फेक नहीं, 100% ओरिजिनल है। 100% ओरिजिनल है। चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। मनीष कुमार। मनीष आप कहाँ से? बिहार, कटिहार से। बिहार, मनीष इतनी दूर, आपके पास तो इतनी बड़ी बड़ी शहर हैं, आप हमारे पास क्यों आए? जबलपुर इतने दूर क्यों आए? बिल्कुल है सर, मैंने आपको यूट्यूब में देखा था और मतलब जो स्टूडेंट का रिव्यू है वो भी बहुत अच्छा था, उसके अलावा हमको सच्चाई यहाँ आके पता लगी। शुक्र गुजार है हमारे मिलन सर का, उसने कुछ ऐसे टेक्निक्स बताए जिससे हम इजीली किसी भी फॉर्म को कर सकते हैं लेटेस्ट। चाहे आपको कितने साल का अनुभव है यहाँ पर EMC में? सर EMC का कोई भी अनुभव नहीं। अच्छा, मैं मुझे एक बात बताइए, EMC का कोई भी अनुभव नहीं है, मुझे एक बात बताइए, क्या ये क्लास उन लोगों के लिए है जिनको मल्टीमीटर भी नहीं आता है, कंपोनेंट नहीं आता है, ये क्लास उन लोगों के लिए है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है। EMC के लिए आपको जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिनिमम, और ऐसा भी नहीं है कि हमने सिर्फ EMC पढ़ाया, आपको हार्डवेयर में भी बहुत गाइडेंस मिली है कि नहीं मिली है? सर मेरा कहने का मतलब ही वही है कि जो हमारे मिलन सर है वो ओनली EMC को ही फोकस नहीं करते, उसके अलावा भी जो कुछ ट्रिक्स है बिल्कुल वही बता। मिलन नहीं है, जैसे मान लीजिए लीकेज हो गया, हाफ शॉर्टिंग हो गई, ये सबसे ज्यादा आज के डेट में फॉल्ट आ रहे हैं, है ना, वो नॉर्मली नहीं बन पाता है। और अगर मैं 10 दिन को आपको या बुलाऊं या 15 दिन के लिए बुलाऊं EMC बोल के और आपको पूरा हार्डवेयर ही पढ़ाऊं और आखिरी दिन में सिर्फ ISP सिखा दूं EMC के नाम पर या एक प्रोग्रामिंग बता दूं, तो वाकई में क्या सेटिस्फाई होंगे? क्या लगेगा कि वाकई में हम कर पाएंगे? नहीं सर, ओनली हमें नहीं, कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि दोस्तों सच बताएं ये EMC की ही क्लास है और EMC की क्लास को एक सब्जेक्ट बना लिया है, और यहाँ पर हमने हार्डवेयर इसलिए डाला हुआ है क्योंकि कई बार क्या होता है कि EMC का फॉल्ट नहीं होता है, वो हाफ लीकेज होता है, बट अगर स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि ये मुझे हार्डवेयर भी सीखना जरूरी है, तो हमारे EMC के स्टूडेंट फिर हार्डवेयर का भी अपना एनरोल कराते हैं आगे, जैसे आपने देखा होगा एक हमारे पुराने वीडियो में। अच्छा, दोनों बॉक्स क्यों समझा आपने? आपने ये नहीं बोला सर मेरे को तो एक ही खरीदना, एक ही समझाओ, मुझे दो क्यों समझा रहे हो? सर कुछ फोन ऐसे होते हैं जो JTAG में नहीं हो पाता है, तो ये उपाय से कर सकते हैं, तो सर जो है इस तरीके से बताया कि अब नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन उससे पूछना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद में क्या करने वाले? सर शॉप है मेरी, दोबारा ओपन करेंगे और उस पर अच्छे से काम करेंगे और दूसरों से काम लेंगे, है ना? और बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सर, कुछ नहीं हो पाता है ना, क्योंकि कोई भी सिखा दे परफेक्ट कोई नहीं होता है, हमें ट्रेन होते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच। हमारे सारे के स्टूडेंट और हैं यहाँ पर, आप थोड़ा खड़े होइए। आपका नाम क्या है? सूरज कुमार वर्मा, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सूरज, आप छत्तीसगढ़ से एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? इंडिया भर में EMC हिंदुस्तान में इतने इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, आपने हमको क्यों चुना? सर मुझे काम करते करते तो हालांकि 12-15 साल से ज्यादा ही हो गया होगा और मेरे को कॉल ICU में बड़ी समस्या होती थी। चलिए ठीक है, आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, यहाँ आए पहले दिन से आखिरी दिन तक, आपको क्या अपडेट मिला? अभी आपको कैसा फील होता है कि मैं काम कर पाऊंगा? बिल्कुल 100% सर, बिल्कुल काम कर पाएंगे। मिलन सर क्या पूछना चाहेंगे? मैंने क्या काम किया? आपने मेरे ख्याल से 2-3 फोन डेट किए थे, तो यहाँ के चालू किए? 100% किए सर, वो UFI है मेरे पास में, रीफ का बॉक्स है सर, UFI नहीं है, रीफ के बॉक्स से मैंने UFI के बॉक्स से मैं बहुत सारा सेट चालू किया सर, UFI और अपने पास में JTAG है, दोनों में सर बहुत सारे डिफरेंस है सर। ये अपन रीफ है, UFI से सर अपन USB से फ्लैश कर सकते हैं समथिंग, और JTAG से नहीं कर सकते, तो दोनों बॉक्स मस्त है और दोनों को सीखना मस्त है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे आइए,
तो देख सकते हैं आप हमारे जो स्टूडेंट है वो सीपीयू खोल चुके हैं, अब सीपीयू खोल के क्लीनिंग कर रहे हैं और दूसरा सीपीयू लगाएंगे। तो यहाँ पर वो सीपीयू एमसीयू उतार चुके हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा पॉज कर देंगे वीडियो। यहाँ पे कैपेसिटर
यूएसबी लगा देना डायरेक्ट चलो जी। ये रहा यूएसबी। ठीक है, इसके लिए वो जोरदार ताली। देख सकते हैं दोस्तों कैसे इस तरह इन्होंने यहाँ पे हम जो है ना पूरा मोबाइल को चालू करके दिखाएंगे। अभी फिलहाल तो हम आपको सिर्फ लोगो दिखा रहे हैं इमेल से सीपीयू लगा के, उसके बाद पूरा चालू करते हैं हम, चालू करके आपको दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो हम बात करते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज। तो मैं बात करता हूं, तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे। मीरा टेक की यस सर। कॉलकॉम यस सर। एमआई यस सर। सैमसंग यस सर। एसपीडी यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब दो टूल होते हैं, आई टून होता है या थ्री यू टूल होता है। आई टून और थ्री यू। आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सर मैं फ्रेशर हूं सब। अब भाई ये बताइए, आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने इसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया। चलिए अब मैं जो ट्रिक दी जाती है वो मतलब जैसे नहीं कहते हैं किसी को पिला दिया जाए, उस एंगल से आप लोग बताते हैं कि मतलब उसको तो दिमाग में एकदम बैठ जाता है। जैसे किसी को रख दिया समय बोझा तो सर उसको पड़ा रहेगा, उसको उतरने वाला नहीं है ना, ये डिलीट होगा यहाँ से। अब ये दिल से बोल रहे हैं क्या? सर मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते ही सीपीयू पे काम कर सकते हैं, सीपीयू उठाकर रिमोट कर सकते हैं, पेस्टेड वाला भी जी सर बिल्कुल अभी भी है मेरे पास, अभी ये बोर्ड है सर। अच्छा ये वाला बोर्ड है, क्या काम किया इसको थोड़ा दिखाइए। एमसी निकला, ये वाला एमसी, ये पेस्टेड है सर, पेस्टेड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, यहाँ पे एमसी निकाला है इन्होंने। और अभी अच्छा दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने यहाँ पर आने के पहले जो एडवांस बुकिंग यहाँ पे करवाई थी, तो वो एडवांस बुकिंग में इनको डाउट हो रहा था कि मैं यहाँ पर सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। अभी डाउट कैसा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? यहाँ पे मेरे साथ में दूसरी क्लास चल रही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, उसमें कितने स्टूडेंट है करीब तकरीबन कितने हैं? 40। कितने स्टूडेंट है सर? 40। 40 स्टूडेंट है। आप एक बार करें, आप मुझे एक बार बताओ कि आप उनसे मिलते भी हो क्योंकि एक ही हॉस्टल में रहते हो सर, आप लोग ने आते साथ ही उनसे पूछा होगा जी सर, क्या फीडबैक रहा उन 40 सर? फीडबैक एक नंबर का था सर की मतलब बता रहे थे कि सर पढ़ाने का जो तौर तरीका है सर एक नंबर का, मतलब बताते हैं जो हमारे दिमाग में ना फीड हो जाता है सर, उसमें मत कोई भी डाउट नहीं रहता कि अब इसको दोबारा बताने की जरूरत है और उसके बाद अगले दिन हम उस पर काम करने लगते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपसे यूएमसी वालों से पूछ रहा हूँ अपने हार्डवेयर वालों का फीडबैक, जो कि बहुत एक कमाल की बात है। सर बताइए, आप दुकान पे काम कर रहे थे अपना, कब से काम है आपको, कितना एक्सपीरियंस है? 5 साल से। आपको अब क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एज अ शॉपकीपर एज अ टेक्नीशियन? मुझे जहाँ मैं फंसता था मुझे लगता था मुझमें बहुत कमी है, लेकिन यहाँ आने पर लगा कि सारी कमियां अब दूर हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगे एमसी करने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरा कुछ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है हार्डवेयर से, जो कि मैंने हार्डवेयर के लिए अप्रैल के लिए क्लास ज्वाइन किया। मतलब आपने दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने हमारी हार्डवेयर की अप्रैल की क्लास को पहले से बुक करा के रखा हुआ है सर, जो कि मार्च में मेरे कुछ फ्रेंड ने करवाया, मार्च में मार्च में सीट फुल होने का मेरा नहीं हो पाया, इनको अप्रैल में मिला हुआ है। और बाजू वाला काम कर रहा था, तो
बिल्कुल सेटिस्फाई यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बोल, बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होगे, तो हमारी भी चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर? आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शैली वो सब अलग शुरू से, और अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं कि सब एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी दिए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि एशियन टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशियन टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़ा आपने? पूरा पढ़ा सर। उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो ईएमसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट में क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूएफआई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको ईएमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा तो यूएफआई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ये ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि ईएमसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा तो मैं अच्छा कब से काम कर रहे हैं सर? मेरा कॉन्फिडेंस 6 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा था, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है सर? बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से इसे टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने इसे टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है कि नहीं पहनी है? पहनी है। ठीक है, पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया फुल शॉर्टिंग तो बना लेता है, अब शॉर्टिंग क्या होता है कि मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो मैं पावर ऐसे निकाले सब कुछ और एक नहीं था इंडिया का नंबर वन शूट कर रहे आप ही लगा कि प्रॉपर में आप। थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज अब जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे
बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था। अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था अच्छा नंबर बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेड सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो तो रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की बैंक क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करने मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं। मतलब सभी भी बोले हाँ हमें बोलना है क्या इंग्लिश में बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हुआ हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने जो सोचा कि कोई अच्छा रहा है उसको चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ उसमें, मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ आगे चल के। मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल में खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सक लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का क्या उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute.
Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.